गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर अरोड़ा और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नयन IAS पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग रोज आपके सामने आते हैं नए नए वीडियोस को लेकर, नई नई टॉपिक्स को लेकर, अच्छी अच्छी ट्रिक्स को लेकर, सारी चीजें रोज हम आपके सामने लेकर आते हैं। आज उसी क्रम में हम आपके सामने लेकर आए हैं फाइंड द मिसिंग नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। आप कोई भी एग्जाम देते हैं, उस एग्जाम में इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न जरूर आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न लगेगा कैसे। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको बस अपने प्रश्न को देखना है। प्रश्न देखिए, सोचिए, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। सबसे पहले हम प्लस देखते हैं, उसके बाद माइनस देखते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड और उसके बाद स्क्वायर। क्या देखते हैं मेरे दोस्तों? स्क्वायर देखते हैं और लास्ट में देखते हैं क्यूब। ये 6 चीजों पर आधारित है हमारा ये चैप्टर। यदि ये 6 चीज हम देख लेते हैं तो हम अपने इस चैप्टर को आसानी से हल कर सकते हैं, एक भी प्रश्न हमारा गलत नहीं होगा मेरे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या होने वाला है। देखिए, यहाँ लिखा है 2, ये है 4, ये है 6, यहाँ से हमें 32 को लाना है। अब ये 32 आएगा कैसे दोस्तों, सोचना है। आप सोचेंगे मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं तो 4 और 2 6 करेंगे, या 4 × 2 = 8 करेंगे और 8 का गुणा जब 36 6 में करेंगे तो आएगा 48। तो गलत हो गया मेरे दोस्तों। आइए और कुछ सोचते हैं। यदि हम 6 और 2 को जोड़ दें, आइए दोस्तों 6 और 2 को जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 8 आ जाएगा। और यदि इस 8 में हम लोग क्या करें, 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा मेरे दोस्तों। क्या आ जाएगा? 32। अब देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि एक सीरीज फॉलो करने के बाद ऐसा नहीं है कि हमें अपने उत्तर पे चले जाना है, हमें दूसरी सीरीज को भी चेक करना है। आइए सबसे पहले इसको और इसको जोड़ेंगे, मतलब 7 में क्या जोड़ेंगे मेरे दोस्तों? 3 आएगा आपका 10। अब 10 में इस बीच वाले नंबर से, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 50 आ जाएगा। अब उसी प्रकार क्या करना है, 12 और 8 को जोड़ना है, जोड़ी। जब 12 और 8 को जोड़ेंगे आएगा 20 और 20 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना? 200 आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। इसका मतलब हमारे पहले प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, यह ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग चलेंगे अपने अगले प्रश्न पे और देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों। आइए देखिए, हमारा अगला प्रश्न ये है, इसको थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना होगा दोस्तों। आइए मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। आप थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर करके दिखाते हैं। सोचिए दोस्तों, यह प्रश्न आपका कैसे लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या कर सकते हैं। यदि हम 5 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करें, ऊपर 5 × 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, आएगा 30। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 30 आ जाएगा। मैं आपके सामने थोड़ा सा इसलिए नहीं आ रहा हूँ ताकि प्रश्न छूट जाएगा दोस्तों, यह प्रश्न थोड़ा बड़ा था इसलिए मुझे ऐसे लगाना पड़ा है। आइए देखते हैं, 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30। उसी प्रकार 8 और 3 में भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 24। क्या आएगा मेरे दोस्तों? 24 आएगा। दोनों को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 6, जो कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार 10 का मल्टीप्लाई कीजिए 4 में, आएगा 40। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 40। और 7 का मल्टीप्लाई कीजिए 2 में, आएगा 14। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 14 घटा दीजिए, आएगा 26, जो कि यहाँ लिखा है। अब आते हैं, बात करते हैं उसकी। तो 9 का 7 में मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आता है? आप कहेंगे सर 56 आएगा। कितना आएगा? 56 आएगा, नहीं, 7 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 63, 63 आएगा मेरे दोस्तों। और 8 का 6 में मल्टीप्लाई कीजिए, 8 6 होता है 48। 63 और 48 को आपस में माइनस कर दीजिए मेरे दोस्तों, 13 में से 8 जाएगा, बचेगा 5,
और पांच में से जाएगा बचेगा एक, हमारा आएगा उत्तर 15 जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। देख सकते हैं यह एसएससी एग्जाम 2001 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे आगे अपने अगले प्रश्न। ये जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं दोस्तों, यह सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको अपनी कॉपी में सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट करना है और इसका उत्तर देना है। अब देखिए दोस्तों, यह आ चुका है हमारा अगला प्रश्न, अब इस प्रश्न को आपको करना है, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, आपको इसका उत्तर देना है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यहां है 4, ये है 16, यहां लिखा है 25 और यहां लिखा है 9। अब आपको देखकर पता चल रहा होगा दोस्तों, 4 किसी न किसी का तो स्क्वायर होता है। आप कहेंगे यस सर, 16 भी किसी न किसी का स्क्वायर है, 25 भी है और 9 भी है मेरे दोस्तों। तो आपको जब इतना क्लू मिल चुका है, इसका मतलब यह प्रश्न स्क्वायर से ही बनने वाला है। तो आइए देखते हैं, यदि हम अंडर रूट 4 कर दें प्लस अंडर रूट 16 कर दें प्लस अंडर रूट 25 कर दें और प्लस अंडर रूट 9 कर दें, तो क्या निकलेगा मेरे दोस्तों? यहां से निकलेगा 2, 4, 5 और 3। इन सबको जोड़िए, 4, 2, 6, 5, 11 और 3 कितना होता है मेरे दोस्तों? आप कहेंगे सर 14 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबका अंडर रूट हमने किया और अंडर रूट करने के बाद हमने जोड़ दिया, हमारी ये संख्या हमें मिली। आइए वहां देखते हैं, अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 49 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 36। 9 का निकालेंगे तो आएगा 3, ये आएगा 7। अंडर रूट 1 का एक ही आएगा मेरे दोस्तों, अब ये आएगा 6। सबको आपस में जोड़ दीजिए, 7 और 3 10, 10 1 11 और 11 और 6 कितना होता है मेरे दोस्तों? 17 होता है। और यही 17 आपके ऑप्शन नंबर सी में लिखा है और आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों को इसे हल करना है। चलिए इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग चलेंगे आगे। ये देखिए दोस्तों, नया प्रश्न हमारे पास आ गया है। इस प्रश्न को हमें सोचना है दोस्तों, यह प्रश्न कैसे लगेगा। मैंने आपको कहा है सबसे पहले आप प्लस पे जाएंगे, फिर माइनस पे, फिर मल्टीप्लाई पे, फिर डिवाइड पे, फिर स्क्वायर पे और फिर क्यूब पर। यहां आप देखिए 5 और 4 लिखा है, 3 और 1 लिखा है। यदि हम स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो 5 का स्क्वायर होगा 25, जो कि 23 से ज्यादा हो गया, तो स्क्वायर करके तो नहीं जोड़ रहा है। दूसरी बात करें, 5 और 4 9 और 1 10 और 3 13, और 13 के किसी भी पहाड़े में 23 नहीं आता है, मतलब यहाँ न तो स्क्वायर हो रहा है मेरे दोस्तों, न तो आपका प्लस हो रहा है, और क्या हो सकता है मेरे दोस्तों? ऊपर नीचे भी चेक कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, यदि बात करें तो इस प्रश्न को ऐसे लगाया जा सकता है मेरे दोस्तों, यदि हम 5 का गुणा करें 4 में, क्या करें मेरे दोस्तों, 5 का मल्टीप्लाई किसमें करें? 4 में, और ऐड कर दें किसको? 3 का मल्टीप्लाई कर दें 1 में, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे आएगा 20, और प्लस इसको करेंगे तो आएगा 3, और ऐड कर दें तो आ जाएगा 23। ये हमारा पहला वाला सॉल्व हो चुका है, 23 हमें मिल गया है। अब हम अपने दूसरे की ओर चल रहे हैं, क्या हमारा दूसरा भी सेटिस्फाइड करेगा? आप कहेंगे सर 6 × 7 प्लस कर दीजिए 3 × 4, जब 6 × 7 करेंगे तो आएगा 42 और ये आएगा 12, और यदि बात की जाए तो आ जाएगा 54। ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, दूसरा वाला भी हमारा जो बॉक्स है उसका उत्तर 54 हमें मिल चुका है मेरे दोस्तों। अब हम लोगों को करना क्या है, उसे सॉल्व करना है। आइए देखते हैं,
कहता है 11 गुणे दो और फिर कहता है प्लस करना है x इंटू 9 में बराबर कहता है 40 आना चाहिए। जहां पर क्वेश्चन मार्क है हमने यहां पर क्या मान लिया है x मान लिया है मेरे दोस्तों, क्या मान लिया है x मान लिया है। आइए देखते हैं इसका क्या होने वाला है। जब 11 का 2 में करेंगे तो आएगा 22 प्लस करेंगे आपका आएगा 9x बराबर आ जाएगा आपका 40। 22 प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 9x बराबर 40 माइनस 22 और जब करेंगे तो आएगा 18। 9x बराबर कितना आ गया मेरे दोस्तों 18। अब 9 से 18 काट दीजिए दो बार में तो x बराबर कितना आ गया मेरे दोस्तों 2 आ गया। अब आप देखिए यह 2 जो है ये कौन से ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर 2 ऑप्शन नंबर सी में है। आप लोग इसे नोट करिए मेरे दोस्तों, हम लोग चलेंगे आगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा प्रश्न था जो हम लोगों ने बहुत ही आसानी से हल कर लिया है। अब हम लोग चल रहे हैं आगे, कहां चल रहे हैं मेरे दोस्तों आगे। अगले प्रश्न में हम लोग आ रहे हैं, देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। यहाँ पर यह प्रश्न थोड़ा देखकर आपको क्रिटिकल लग रहा होगा लेकिन यह सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आइए, यदि आपको कहीं ऐसा नजर आए कि जो नंबर्स जो संख्याएं दी हुई हैं वह किसी ना किसी का स्क्वायर है तो हमें तुरंत स्क्वायर के पास जाना होगा। यहाँ देखिए 4 भी स्क्वायर है और 9 भी स्क्वायर है तो आप करिए अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई। 4 करेंगे तो आपका आएगा 2, 9 का करेंगे आएगा 3 और 3 दो नहीं होता है 6। ये 6 देखिए हमारा यहाँ नजर आ रहा है कंडीशन सेटिस्फाइड, ये बॉक्स नंबर 1 का उत्तर मिला है। फिर आगे है 9 और 16, अंडर रूट 9 करेंगे और अंडर रूट 16 करेंगे आएगा 3 गुणे 4 बराबर कितना होगा मेरे दोस्तों 12 कंडीशन नंबर 2, यह 2 भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर चुकी। अब अगला कहता है तीसरा, कहता है 16 अंडर रूट 16 में किसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि हमारा 20 आ जाए, किसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए 20 का 20 आ जाए तो 16 का करेंगे तो 4 आएगा और 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए। आप कहेंगे सर 5 को मल्टीप्लाई कर दे तो 20 आ जाएगा लेकिन 5 को हमें जब अंडर रूट में लिखना है तो क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों अंडर रूट 25 लिखेंगे और हमारा आंसर क्या होगा x बराबर 25 क्या होगा मेरे दोस्तों x बराबर 25 यही हमारा उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं दोस्तों, यह सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यह एसएससी का प्रश्न है, एसएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। अब हम लोग चल रहे हैं आगे अपने अगले प्रश्न पे, यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न को आप लोगों को करना है और बहुत इम्पोर्टेंट है और काफी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। इस प्रश्न को आप देखिए और इसे करने का प्रयास कीजिए, इस प्रश्न को आपको देखना है और इसे करने का प्रयास करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है और एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत मुश्किल भी प्रश्न है। देखिए सोचिए यह प्रश्न कैसे होगा, क्या कर दें, किसका मल्टीप्लाई कर दें, किसका डिवाइड कर दें कि यहाँ पर 42 आ जाए। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ट्रिकी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दूंगा तो आइए देखते हैं। यदि हम लोग 14 में 2 का डिवाइड करें, आपको 42 लाना है, क्या लाना है मेरे दोस्तों 42 लाना है और 42 किसके टेबल में आता है आप पहले इतना देखिए। तो आप कहेंगे सर 7 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है 7 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। 7 और 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 42, क्या आएगा मेरे दोस्तों 42 आएगा, क्या आएगा 42 आएगा। अब हमें 7 लाना है और 6 लाना है, यदि 14 में भाग लगा दें 2 का और 24 में भाग लगा दें 4 का, क्या कर दें 14 में भाग लगा दें 2 का तो आ जाएगा 7 और 24 में भाग लगाए 4 का तो आएगा 6 और इससे हमारा बन जाएगा 42, क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों 42 बन जाएगा।
ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। यदि हम 64 पे चले तो 64 में यदि भाग लगाते हैं 2 का तो आता है 32। कितना आता है मेरे दोस्तों? 32। कितना आता है? 32। और यदि 12 में भाग लगाते हैं 4 का तो आता है, कितना आता है? आप कहेंगे सर 3 आता है। और जब 32 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे सर हमारा 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी 2 का भाग लगाइए तो आएगा 16। क्या आएगा मेरे दोस्तों? 16 यहाँ पर, लेकिन 4 का भाग जाएगा नहीं। यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्तों? यहाँ पर तो आपका 4 का भाग नहीं जाएगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा? आप करिए, आप 9/18 करिए। आइए मैं इसको बताता हूँ, होगा आपका उत्तर आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। 32 में डिवाइड किया है हमने 2 से, हमारा आया है 16। कितना आया है मेरे दोस्तों? 16 आया है। अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं 18 में 4 का डिवाइड। किसका डिवाइड? 4 का डिवाइड। तो हमारा 9/2 आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्तों? 9/2 आएगा, क्योंकि 2 यहाँ हो गया और 9 यहाँ हो गया। पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, लेकिन 9/2 हमारा आ रहा है। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 16 × 9/2 जब करेंगे तो 2 से कट जाएगा 16। कितनी बार में? 8 बार में। और 8 × 9 कितना होता है मेरे दोस्तों? आप कहेंगे सर 72 होता है। कितना होता है? 72। और हमारा ऑप्शन नंबर डी हमें 72 दिया हुआ है। अब आप देखिए यह प्रश्न कितना ठीक है। बच्चे क्या करते, यहां तक जाते, कहते सर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, प्रश्न गलत है। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, प्रश्न तो गलत नहीं है, प्रश्न सही है, आप लोगों के करने का तरीका गलत हो सकता है। देखिए मैंने किया है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए ये ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में आया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं जो प्रश्न करा रहा हूँ वो SSC, CGL, CHSL, UPBA तमाम परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। और यही प्रश्न, ऐसे ही ट्रिकी प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आएंगे। तो इसलिए इन सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट करना है दोस्तों। और आगे हम लोग चल रहे हैं, चलते हैं हम लोग अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा प्रश्न था दोस्तों, इसे आप लोग 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा यह प्रश्न कैसे आ रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों को इस प्रश्न का उत्तर देना है मेरे दोस्तों। आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। चलिए आइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देते हैं। और इसका उत्तर क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें क्यूब का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए मेरे दोस्तों? क्यूब का पता होना चाहिए। ये देखिए, आप नंबर सिर्फ देखिए, 3 के यहां क्या लिखा है? आप कहेंगे सर 27 लिखा, मैं आपको बता रहा हूं। 3 का यदि क्यूब करें तो आएगा 27। देखिए उसके सामने लिखा है, इधर आइए 4 का क्यूब करें आता है 64। देखिए 4 के सामने लिखा हुआ है। 5 का क्यूब करें आता है 125। देखिए उसके सामने लिखा है। 6 का क्यूब करें आएगा 216। देखिए उसके सामने लिखा हुआ है। 7 का क्यूब करें आता है 343। कितना आता है मेरे दोस्तों? 343। और ठीक उसी प्रकार जब हम 8 का क्यूब करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 512। कितना उत्तर आता है मेरे दोस्तों? 512। और इस क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, आपका उत्तर आने वाला है 512। क्या उत्तर आने वाला है मेरे दोस्तों? 512, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में आपको दिखाई दे रहा है। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन मैंने आपको कहा था कि आपको क्यूब और स्क्वायर याद होना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैं एनालॉजी पढ़ा रहा था तब मैंने आपको स्क्वायर लिखवाया भी था। तो यदि आपको याद हो मेरे दोस्तों, आपने वो वीडियो देखा हो, तो आपको शायद स्क्वायर याद हो और आप इस प्रश्न को आसानी से कर पाए। इसे नोट करें दोस्तों, फिर हम लोग चलेंगे आगे अपने अगले प्रश्न। देखिए मेरे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न ये आ चुका है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन यह भी है मेरे दोस्तों। आपको बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा।
बहुत अच्छा प्रश्न है, आसान नहीं कह सकते, प्रश्न एकदम आसान नहीं है, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों। देखिए यह जो प्रश्न है, यह दो है, फिर आठ है, तीन है, सत्ताईस है, और चार से हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या होगा। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या होगा आपको बताना है मेरे दोस्तों। क्या करना है? बताना है मेरे दोस्तों। अब आप जल्दी से इसका उत्तर सोचिए और इसका उत्तर हमें बताइए दोस्तों। यदि हम क्यूब करते हैं, दो का क्यूब करें तो हमारा आठ आ जाता है। क्या आ जाता है? आठ। तीन का क्यूब करते हैं तो हमारा सत्ताईस आ जाता है। तो जब चार का क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा? चौसठ आ जाएगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो बताइए कितना आसान प्रश्न था, लेकिन आपको कठिन लग रहा था। तो कठिन तो मेरे दोस्तों बिल्कुल भी नहीं था। देखने में प्रश्न कठिन होता है, लेकिन एक्चुअल में वह प्रश्न कठिन नहीं होता, क्योंकि हम लोग उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम लोग चल रहे हैं आगे अपने अगले प्रश्न। देखिए हमारा अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 20 है, 9 है और 121 है, 24 है, 11 है और 169 है, फिर 17 है, 32 है, और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्तों, यह किसी को नहीं पता है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा क्या होगा। अब देखिए इतना अच्छा प्रश्न है, इतना ट्रिकी क्वेश्चन है कि अच्छे अच्छे लोग इसे लगाने में कहेंगे सर यह प्रश्न में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन मेरे दोस्तों प्रश्न में गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी आपके सोचने में है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल किस प्रकार होगा। तो देखिए जो 121 लिखा है यह 11 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है मेरे दोस्तों? 11 का स्क्वायर होता है 121। क्या होता है? 121। यदि हम 9 की बात करें, इसको 9 ही रहने दीजिए, 9 यहां लिख लेते हैं। यदि 20 में हम लोग 2 का भाग लगा दें तो हमारा जाता है 10। इसका मतलब ये है कि ये 9 है, ये 10 है और 10 के बाद ये 11 का स्क्वायर यहां पर लिखा हुआ है। क्या यही क्रम हमारा यहां पर चल रहा है? तो आप इसको और इसको जैसे का तैसे उतार लीजिए। 11 के बाद आता है 12, तो इसमें भी 2 का भाग लगाइए, आ गया 12, और फिर लिखिए 13, और 13 का स्क्वायर होता है 169, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे दोस्तों। तो मतलब 11, 12 और 13 का स्क्वायर 169। ठीक उसी प्रकार यहाँ पहले इसको उठाइए और लिख लीजिए कहाँ 17, यहाँ लिख लीजिए 17। अब इसमें 2 का भाग लगा दीजिए, आ जाएगा 16। क्या हो जाएगा? 16। और 16 से 1 कम और कर दीजिए, क्योंकि 18 यदि करते हैं 16, 17 और 18, तो 18 का स्क्वायर यहाँ हमें नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए हमें कम करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये कम करेंगे आएगा 15, 16 और 17, और यदि 15 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 225, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है। तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि इस संख्या को तो लिखा है, फिर उसके बाद 20 में 2 का भाग लगाया है, उसे लिख दिया है, फिर अगली संख्या का स्क्वायर लिखा है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार 11 को लिखा है, 24 में 2 का भाग लगाया है 12, और 13 का स्क्वायर लिखा है। ठीक उसी प्रकार 17 है, फिर 32 में 2 का भाग लगाएंगे तो 16 आएगा, और उसके बाद 15 का स्क्वायर यहाँ पर लिखा है 225। इस प्रश्न को नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला, ध्यान से इसे देखना है और इसे सॉल्व करना है मेरे दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है, अब यह अगले प्रश्न का हल आपको करना है। सोचिए आप अगले प्रश्न को कैसे हल करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे दोस्तों। प्रश्न संख्या है 16, कैसे हल करेंगे सोचिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन उत्तर आना चाहिए, करके चेक कर लीजिए। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 16 में 9 जोड़ दिए आ गया 25,
16 और 9 जोड़ेंगे तो आएगा 25, और 2 और 1 3 कर देंगे तो हमारा आएगा 28। हमारा उत्तर नहीं आ रहा है मेरे दोस्त। तब क्या करें, जब स्क्वायर करके उत्तर नहीं आ रहा है तब कुछ और करना पड़ेगा, आइए उसे भी करके चेक कर। हम सबको जोड़ लेते हैं, 4 + 3 + 2 + 1। मैं आपको सीधा सही उत्तर इसलिए नहीं बताता हूं ताकि आप उस प्रश्न को सोचेंगे कैसे। मैं आपको प्रश्न को सोचना बता रहा हूं, कैसे आप प्रश्न को सोचेंगे, कैसे अपनी परीक्षा में उसे हल करेंगे। आइए मेरे दोस्तों, 4 और 3 7 और 3 10 हो गया, और यदि 10 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 30 हो जाता है। कितना हो जाता है? 30। ये हमारा पहला वाला बॉक्स हो गया। उसके बाद चलते हैं आगे, जोड़िए 5 को जोड़िए, 4 को जोड़िए, 3 को जोड़िए, 2 को जोड़िए, तो 5 4 9 और 3 12 और 2 14 आता है, और 14 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 42 आ जाता है। मतलब दूसरा वाला भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड है। तीसरे की यदि बात करते हैं, 6 + 5 + 4 + 3, तो 6 5 11 4 15 और 3 18, और 18 में यदि 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 24, और 3 एकम में 3 और 2 5, मतलब 54 हमारा उत्तर आता है दोस्तों। यह तीसरा बॉक्स है और 54 हमारे ए नंबर में लिखा हुआ है, यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा 54। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो धन्यवाद साथियों, हमें उम्मीद है कि आज हमने जो पढ़ाया है आपको जरूर पसंद आया होगा। ये जो वीडियो की हमने ट्रिक बताई है, हर क्वेश्चन पे अलग अलग बातें बताई हैं, यह सारी बातें आपको हमें उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आपको यह सब कुछ समझ में आ गया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू।